पाकिस्तान ने लगाया बॉलीवुड फिल्मों पर बैन, नहीं हो पाएगी सलमान खान की रेस 3 रिलीज। आलिया भट्ट की फिल्म राजी के बाद सलमान खान की फिल्म रेस 3 पाकिस्तान में ईद के मौके पर रिलीज नहीं होगी। त्योहार को देखते हुए पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है और अब यह फिल्म ईद पर पड़ोसी देश में रिलीज नहीं होगी। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेरी हेरिटेज ने ईद के मौके पर किसी भी भारतीय फिल्म के रिलीज पर पाकिस्तान में रोक लगा दी है। घोषणा के मुताबिक ईद से 2 दिन पहले ये रोक प्रभावी होगी और बकरीद तक ये रोक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सरकार ने इस फैसले को लेकर तर्क दिया गया है कि ईद का मौका पाकिस्तानी फिल्मों की दुनिया के कारोबार के लिए बड़ा अवसर होता है। अगर ईद के मौके पर भारत की फिल्म वहां रिलीज की जाएगी तो पाकिस्तानी फिल्मों का कारोबार ठप पड़ सकता है। फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स और रमेश तौरानी ने टिप्स फिल्म्स के बैनर तले किया है। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 जून को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि फिल्म रेस 3 में सुपरस्टार सलमान खान, जैकलिन फर्नांडीज, अनिल कपूर, डेजी शाह, बॉबी देओल और साकिब सलीम हैं।